हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आस्क न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अगर अपडेट देखने को मिल जाएंगे इस तरह का। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर समग्र शिक्षा, और यहाँ पर PM-3 के लिए उत्तराखंड को मिले 1200 करोड़। तो 1200 करोड़ मिल चुके हैं उत्तराखंड के समग्र शिक्षा, और यहाँ पर PM-3 जो कॉलेज स्कूल्स बनने वाले हैं, तो इसके लिए कहा गया है कि 110 राजकीय विद्यालय के जर्जर भवनों का होगा यहाँ पुनर्निर्माण, और पौड़ी हरिद्वार चमोली में खुलेंगे 3 नए विद्यालय। तो नए विद्यालय भी खुलने वाले हैं। साथ ही 6 नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास है उसकी स्वीकृति भी मंजूर कर रखी है। तो लगभग लगभग आपको यहाँ पर जो उत्तराखंड में नई यहाँ पर जो है 1200 जो करोड़ है उसको यहाँ पर जो है मिल चुका है उत्तराखंड में। और वहीं बात करें यहाँ पर 1198 करोड़ से होगा कायाकल्प, नए स्कूल कंप्यूटर लैब बनेंगे, और समग्र PM-3 जो योजना है इसके तहत जो है लगभग 1200 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। और नई कॉलेज स्कूल्स हैं और 6 हॉस्टल्स हैं इसमें, और 34 कंप्यूटर लैब हैं, और 2.65 लाख रुपये छात्रों को यहाँ पर मुफ्त सैनिटरी पैड हैं इसको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो पूरे उत्तराखंड में जो है इन सब के यहाँ पर जो पूरा बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर स्कूली शिक्षा को लेकर किए गए हैं। उत्तराखंड के स्कूलों के लिए यहाँ पर 1200 करोड़ वही आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं आप बीमार हो गए नवोदय के 27 विद्यार्थी, जिसमें लोहाघाट अस्पताल में पहुंचे डॉक्टर की टीम ने इलाज, और अब हालत में सुधार। तो यहाँ पर बताया गया कि जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है लोहाघाट में, वहाँ पर 27 छात्र छात्राएं जो है बृहस्पतिवार को अचानक बीमार हो गई, और आनंद भान में जो उप जिला अस्पताल लोहाघाट स्वास्थ्य टीम को बुलाया गया, और अभी इनकी तबीयत ठीक है। और इसमें यहाँ पर बताया गया है इस तरह का। और वहीं बात करें यहाँ पर नाइट कर्फ्यू में केवल जो है नाइट कर्फ्यू रहने वाला है, जहाँ पर अतिक्रमण हुआ था हल्द्वानी कर्फ्यू हटा दिया गया है छूट, और 100 से अधिक के बनाए पास। और इसमें यहाँ पर देखते हैं कर्फ्यू क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनको अलग से होगी गृह परीक्षा। तो कर्फ्यू छात्र छात्राओं की जो गृह परीक्षा होंगी वो अलग से कराई नहीं जाएंगी, इसके लिए अलग से आगे करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए खंड शिक्षा अधिकारी ने। वित्त विहीन विद्यालय को जो है वेतन अनुदान की मांग। तो अशासकीय वित्त विहीन के अशासकीय स्कूल जो होंगे उन मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक शिक्षक का जो है प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को यमुना कॉलोनी स्थित जो है आवास पर जो है मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिला, और यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह गुसाई और महामंत्री अरविंद सिंह रैथान ने जो है मांग की है कि विषय परिस्थिति में जो है खोले गए वित्त विहीन विद्यालयों को संचालन करने में परेशानी आ रही है, और इन सभी विद्यालयों को वेतन अनुदान दिया जाए। और मंत्री ने जो है सकारात्मक आश्वासन दिया है, और इस मौके पर यहाँ पर खुशपाल कॉलोनी के नाम लिखे गए ये हैं। तो शासकीय स्कूलों में जो है वित्त देने की मांग की गई है यहाँ पे। और 84 नए स्कूल भवन और 82 प्रयोगशाला बनेंगी। तो देहरादून में नए शिक्षा सत्र में 84 जीवनाधार प्राइवेट स्कूल को यहाँ पर जो है नए भवन मिलने जा रहे हैं, और साथ ही विज्ञान विषयों की पढ़ाई के लिए छात्रों को यहाँ पर जो प्रयोगशाला में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसी ज्यादा से ज़्यादा करीबन समझा जाएगा इसके लिए बनाएंगे हैं। और उत्तराखंड में 9 हॉस्टल और यहाँ पर स्कूल बनेंगे। तो उत्तराखंड में हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार और मोरी में यहाँ पर जो है एक एक, और देहरादून में जो है 2 नेताजी सुभाष हॉस्टल जो है वो बनाए जाएंगे। और ऋषिकेश में हॉस्टल के पुनर्निर्माण के तहत जो यहाँ पर नाभा हाउस में यहाँ पर जो है नई इमारत बनाई जाएगी। प्रयोगशाला परीक्षाएं खत्म, अब मुख्य परीक्षाओं की तैयारी। तो उत्तराखंड बोर्ड ने जो है संकलन केंद्र भेज दिए उत्तर पुस्तिकाएं, और इसमें बताया गया कि इसके प्रवर्तन परीक्षा संपन्न हो चुके हैं, अब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ है। और इसके लिए जो भी पुस्तिकाएं होती हैं उत्तर पुस्तिकाएं वो संकलन केंद्र जहाँ पर सेंटर होता है वहाँ भेज दिए हैं। और बोर्ड के अपर सचिव PV सिमल्टी ने बताया कि 16 जनवरी से यहाँ पर जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं यहाँ पर 15 फरवरी तक समाप्त हो गई हैं, और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में बताया गया 728 परीक्षार्थियों की जो परीक्षकों की जो है ड्यूटी लगाई थी। दसवीं बारी में जो है 27 फरवरी से यहाँ पर जो है शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षा है, और जो कि 16 मार्च तक यहाँ पर चलने वाली हैं। साथ ही BEd प्रवेश के साक्ष विश्वविद्यालय को कल तक कराएं उपलब्ध। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय संस्थान की ओर से अनुमति के विद्यार्थी BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन से संज्ञान लिया है, और साथ ही जो है विद्यार्थियों को जो है प्रवेश के साथ जो है साक्ष 18 फरवरी तक जो है मिले ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए कहा गया है। और BEd सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने के बाद एक संस्थान ने 42 छात्रों का जो है प्रवेश रद्द कर दिया गया था, तो इसके बाद से परेशानी आ रही है, और उनको जो है फिर से अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं। और 84 प्राइमरी स्कूल जो है बनेंगे नए भवन में तब्दील होने वाले हैं, इसका जीर्णोद्धार करने वाले हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कॉलेज में जो है यहाँ पर CET से
ही यूजी में दाखिला। तो यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीयूटी के माध्यम से ही यहाँ पर आपके कॉलेज में दाखिले होंगे। इसके लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध जो जुड़े कॉलेजेस हैं उसमें यूजी कक्षाएं जो दाखिले सीयूटी से ही होंगे, और पीजी कक्षाओं के लिए जो है विश्वविद्यालय स्तर पर जो है एक प्रवेश परीक्षा होगी और 19 फरवरी से यहाँ पर आवेदन होंगे। और यूजीसी ने जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो यूजीसी ने नोटिफिकेशन पूरा जारी कर दिया है। इस तरह की प्रवेश परीक्षा होने वाली है और 19 फरवरी से यहाँ पर जो है सीयूटी के लिए आवेदन हो जाएंगे शुरू और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज होंगे उनमें छात्र अधिक प्रवेश। पिछले सत्र में सीयूटी में जो है छूट की उम्मीद मुझे कई दाखिले यहाँ पर रह गए थे वंचित, और 15 से लेकर 31 मई के बीच में यहाँ पर प्रस्तावित की गई हैं सीयूटी की परीक्षाएं, और इस बार नहीं मिलेगी छूट, जरूरी जरूर कीजिए आवेदन। तो इस बार छूट नहीं मिलेगी क्योंकि इस बार जरूरी ही आवेदन को आवेदन करना पड़ेगा आपको, और कॉलेज को विषयवार जुड़ने का विकल्प मांगा। तो यहाँ पर बीते वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो है सीयूटी की मेरिट के दाखिले के लिए यहाँ पर केवल विश्वविद्यालय को जो है दर्शाया था, जबकि उससे जुड़े जो अशासकीय और यहाँ पर राजकीय कॉलेज हैं उनको नहीं दिखाया गया था, और इस कारण जो है छात्रों के पास जो है कॉलेज चुनने का विकल्प नहीं मिला था। लेकिन जो है इस बार जो है कॉलेज ने विश्वविद्यालय के साथ जो है अन्य सभी कॉलेज को विषयवार जोड़ने के विकल्प दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, तो विभाग बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, और इसमें कहा गया है कि इसमें इस बार जो है 45,232 छात्र छात्राएं जो है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो है पंजीकृत हैं। तो छात्र छात्र इतने पंजीकृत हैं जो कि रुड़की में बात चली हुई है, और 27 फरवरी से यहाँ पर परीक्षा होने वाली बोर्ड परीक्षा है, और इसके लिए शांति पूर्ण ढंग से यहाँ बंद कराने को लेकर शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, और इस 45,000 के करीब जो है रुड़की में परीक्षा देने वाले हैं। KLDB को बनाया जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम। तो बोर्ड परीक्षाओं में जो है प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को रखने के लिए जो है यहाँ पर KLDAB इंटर कॉलेज को जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम जो है बनाने की बात करी गई है। और चमोली के यहाँ पर 106 और रुद्रप्रयाग के 67 केंद्रों पर होंगी परीक्षा। तो 27 से होने वाली उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर लेगी है, और जिसमें यहाँ पर रुद्रप्रयाग गोपेश्वर में बताया गया 27 फरवरी से होने वाले हैं। चमोली में 106 परीक्षा केंद्र बनाने की बात करी गई है, जिसमें है 9,170, और रुद्रप्रयाग में 67 परीक्षा केंद्र, जिसमें 6,700 के करीब जो है यहाँ पर छात्र छात्रा परीक्षा देने वाले हैं। और पौड़ी जिले में नहीं कोई भी जो है संवेदनशील केंद्र, तो यहाँ पर पौड़ी में कोई भी परीक्षा केंद्र ऐसा नहीं जहाँ संवेदनशील हो। और उत्तराखंड में बात करते हैं समूह की भर्ती के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर योग्यता परिषद ने कल 370 पद की एक नई भर्ती निकाल दी है। इसके लिए अधीन सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर 25 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोला गया है। बहुत अच्छी पोस्ट है जिसमें आपके यहाँ पर प्रशिक्षक और सेवायोजन निदेशालय के अनुदेशक संवर्ग के पद की पोस्ट है, इसमें 370 पद है, इसका विज्ञापन जारी हो चुका है, आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं, और 20 से लेकर 22 मार्च के बीच में संशोधन भी कर सकते हैं। और इसके जो यहाँ पर परीक्षा प्रस्तावित है जून माह में रखे गए, तो जून महीने में आपको आवेदन करना परीक्षा देनी पड़ेगी, और 21 से लेकर 22 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है टोल फ्री नंबर देख कर यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको पूरी हेल्प की जाएगी आयोग के माध्यम से। बाकी ये पदों की संख्या आप लोग देखते हैं बहुत सारे पद हैं, इसमें 370 पद हैं, अलग अलग विषय में अलग अलग है। इसमें डिप्लोमा वालों को रखा गया है, जैसे बीटेक बीटेक वाले हैं, पॉली वाले होंगे, कई जगह ITI भी होंगे, आप चेकआउट कर लेना। और वहीं LT6 से भर्ती के लिए सूचना जारी हो चुकी है, तो उत्तराखंड में LT6 के यहाँ पर जो है मंडल कार्यालय से मिली रिक्त पदों की सापेक्ष यहाँ पर जो है 1.5 गुना अनुपात में यहाँ पर जो है 69 जो है अभ्यर्थियों का जो है स्थापन के लिए जो है मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, और इसके लिए 21, 22, 23 को यहाँ पर जो है स्थापन होना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आयोग जो है LT की जो DV करने वाला लास्ट मंथ में करने वाला है, तो फाइनली उसके डेट भी आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपना अपना जो भी निर्धारित समय रखा गया है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो जॉब अलर्ट में अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने निकाली है 1,002 पदों की भर्ती, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट अन्य स्तर की परीक्षाएं होंगी, जिसके लिए आप यहाँ पर वेबसाइट जारी कर दिया है, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अधीनस्थ दीवानी न्यायालय 139 पद पर जो है कनिष्क सहायक आशुलिपिक पद की पोस्ट है, ये उत्तराखंड की पोस्ट है ये वाली, ठीक है, ये हाईकोर्ट में निकाली गई है 139 के लिए, और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 22 फरवरी तक का है। इसके लिए आपके पास यहाँ पर वो जो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं कर यहाँ पर कर लेना, ठीक है। ये NT करा रहा है इस बार, ठीक है, युगत प्रेस कराता था पिछले बार तक, इस बार NT करा रहा है। NT के लिए यहाँ पर exam.nt.ac.in यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, बहुत एग्जाम पर शुल्क रहेगा इसमें, ठीक है। और इसमें योग्यता ये कुछ और लिखी गई, इसमें 12वीं पास के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और राष्ट्रीय अनुवेक्षक अभिक्रम में
100 पोस्ट निकाले गए हैं, आवेदन कर सकते हैं 2 अप्रैल तक का। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 347 पोस्ट निकाले गए हैं, इसमें वरिष्ठ अध्यापक के पद हैं। 6 मार्च तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। MRPL में रोजगार के 69 पद निकाले गए हैं, 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है एम्स में निकाले गए हैं भर्तियाँ 20 पद, और इसके लिए नर्सिंग अधीक्षक की पोस्ट और अन्य पोस्ट रखी गई हैं। 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। साथ में चंडीगढ़ प्रशासन में पोस्ट निकाले गए हैं, टाटा मूलभूत ठीक है अनुसंधान संस्था में निकाले गए हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये भी पोस्ट निकाली गई।